मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ, उनको पिक करूँगा, बात हुई है उनसे, थोड़ी देर में उनको पिक करता हूँ, देन आगे चलते हैं। देखते पहले कुछ खाना है या कहीं पे हवा महल जाना है या सिटी पैलेस जाना, जैसे भी होगा उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत गर्मी हो गई है तो धूप निकल आई है, पहले बादल वाला मौसम बना हुआ था, पर अभी देखते हैं शायद हो जाए थोड़ी देर तक, बारिश का मौसम बन जाए तो अच्छा रहेगा घूमना, नहीं तो फिर प्लान चेंज करेंगे, देखते हैं। तो अभी उन दोनों को मैंने पिक किया था रूम से, फिर हम आए हवा महल की तरफ, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया और पल्लवी नाराज हो गई है, थोड़ा सा उसको मूड खराब हो गया। तो फिलहाल अभी मैंने उनको हवा महल के पास उतारा है और आज संडे है तो मार्केट की शॉप सारी बंद है, तो इस वजह से यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है शॉप के सामने ही, तो यहाँ पे एक पास में ही जगह मिल गई हवा महल के वहाँ, तो वहाँ पे पार्किंग में लगा रहा हूँ गाड़ी और थोड़ा घूमेंगे तो शायद मूड ठीक हो जाएगा। चले चले अंदर, चलो। तो यहाँ से एंट्रेंस है। गाइड क्यों नहीं किया आपने? खुद ही एक्सप्लोर करना है। चलो यहाँ से एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे एक फाउंटेन लगा है, वहाँ पे सीसीडी भी बना हुआ है, आपको कॉफी वगैरह कुछ खाना पीना हो, स्नैक्स हो, और ऊपर ये है सारा हवा महल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऊपर जाके देखते हैं क्या है, वहीं से थोड़ी फोटो क्लिक करेंगे। धूप निकली हुई है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है। कैसे वाली क्लिक करानी थी, यहाँ से बाहर जागते हुए की, यहाँ से महारानिया जैसे पहले जागती थी अपने राजा होगा ना, यही था वो। बहुत सारी फोटोज क्लिक करा ली हैं पर गर्मी बहुत है, हवा महल होते हुए भी हवा उतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। चलो फिर चले आगे, वो काफी लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं पता है। हवा महल कवर कर लिया, बहुत गर्मी है, सोचा नहीं था कि धूप निकलेगी, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब कुछ भूख लग रही है। पहले सोच रहे थे सिटी पैलेस जाएंगे बट आई थिंक सिटी पैलेस स्किप कर देते हैं, आमेर चलें। आमेर चलते हैं, बहुत गर्मी है, एंट्री है। दोनों लड़कियों को बहुत टैनिंग हो गई है ना, पहचाने नहीं जा रही, एडिटिंग में भी नहीं हट पाएगी ये तो। तो कुछ खाते हैं यार पहले ना, फिर एक बार चलते क्योंकि अभी तो धूप तो ही है। चलो फिर ये रहा एग्जिट, चलो बाहर। तीनों ने एक्सप्लोर किया है और रेस्टोरेंट यहाँ पे जो हमें अच्छा लगा तीनों को, गोविंदम रिट्रीट, वो कल ही गए थे ना महारानी मार्केट, वही तो है, वहाँ मैंने देखा भी था, मेरे को पहले लगा ये पता नहीं दूसरा है या कोई वही है जो मैं देख रहा हूँ। एम्बियंस तो अच्छा लग रहा है, हाँ रेटिंग्स भी अच्छी हैं, तो चलते हैं वहाँ पे जाके खाते एक बार, देखते हैं क्या टेस्ट है, देन रिव्यू देंगे उन्हें। तो ये वही महारानी मार्केट में ऊपर जाके गोविंदम रिट्रीट फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, ये कल जहाँ हम आए थे वही जगह है, एंड ये एंट्रेंस है कुछ ऐसी, अंदर जाके बैठते हैं, थोड़ा इसी में सिर भारी हो गया, गर्मी भाई कतई जहर गर्मी है, जहर गर्मी, आज धूप निकल आई है, चलते अंदर से देखते हैं कैसा। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी वो दोनों ये वॉशरूम में फ्रेश हुए हैं, तो ये मेन्यू है इसका, प्राइसेस अभी तक तो ओवरऑल ठीक ही हैं, जैसे नॉर्मल डेली रेस्टोरेंट में होते हैं वैसे ही प्राइसेस लग रहे हैं, बाकी ऑर्डर करते हैं कुछ प्लेस करते हैं फिर देखते हैं कैसा खाने में। लंच डन, कैसा लगा खाना? बढ़िया, खाना अच्छा था ना, क्या खाना अच्छा था ना? खाना अच्छा था। चलो अब मेन फोर्ट जाना, हाँ। 4:30 हो गए, आधे घंटे में पहुंचे, और तुम दोनों ने पूरा फोर्ट घूमना है 4 किलोमीटर का, ठीक है, मैं आधे रास्ते मैं आधे रास्ते से वापस आ जाऊँ, तुम्हें पूरा घूमना। चलो ठीक है फिर चलते हैं। पर्सनल डाइन आउट बनाया हुआ है यहाँ पे, लाइट ओपन करिए स्पेशल दिखाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल हमने तो डिनर करना नहीं, हम क्या करेंगे अपनी फोटोज क्लिक करेंगे।
एंट्रेंस स्टार्ट हो चुकी है और मुझे पता है बहुत स्लोपी है एंट्रेंस और पल्लवी पीछे रह गई है पता नहीं कहाँ पे। मैं तो अभी से थक रही हूँ, एंट्रेंस नहीं पहुँच पाई हूँ। चलोगे तभी ट्रैकिंग करोगे। पल्लवी की वेट करे, पहले आ जाए तब चलते आगे। अभी तो बिल्कुल ये पूरा आगे तक ऊपर जाएगा, वो वहाँ से जाके एंट्रेंस है। हमने यहाँ से बग्गी कर ली छोटी और हम जा रहे हैं चूल्हे खाते हुए। हमारा चलने का रास्ता कवर हो गया और हम बच गए। ये उनका फोटो सेशन चल रहा है पीछे, यहाँ पे भी इन दोनों लगी हुई हैं टोपी पहन के वीडियो सुनाने में।